गाइस, आज का हमारा वीडियो है कि आज हम जाने वाले हैं टिफिन टॉप। तो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। टिफिन टॉप नैनीताल के एक हाई एल्टीट्यूड पे एक आपका पिकनिक स्पॉट है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और हम लोग पैदल ही वहाँ को कवर अप करने वाले हैं। हम पहुँच गए हैं शेवुड कॉलेज के पीछे, बैकग्राउंड में आप देखेंगे ये शेवुड कॉलेज है। सो दिस इज द रोड ऑफ टिफिन टॉप इन सनवाल कॉलेज। दिस इज रोड, दिस हम आगे बढ़ रहे हैं और शेवुड कॉलेज से होते हुए एक लेफ्ट हैंड से रास्ता कटता है और ये पैदल ट्रैक है आपका टिफिन टॉप को। बहुत प्यारा स्पॉट है, आपको ऊपर चल करके दिखाएंगे कि वहाँ से नैनीताल कैसा दिखता है। तो इस रास्ते का भी आपको बीच बीच में शॉट्स दिखाएंगे। बहुत प्यारी लोकेशन है और मैं आज काफ़ी समय के बाद में टिफिन टॉप जा रहा हूँ और ये अपॉर्चुनिटी मिली है मिष्टी और इसी के कारण। ये मुझे जानते हैं, मैं को होस्ट हूँ ना। ओके, तो आज हमारे साथ एक को होस्ट और हैं और वो है अमोलिका पांडे और इसी जो कि को होस्ट की तरह बन नहीं रही है, जो कि अपने ही फोन में मस्त है, क्योंकि अपनी फोन में मस्त है, इसलिए वो होस्ट है नहीं। वो को होस्ट है नहीं। तो चलते हैं टिफिन टॉप के रास्ते में। और अरे ये तो आगे बड़ा पेड़ गिरा पड़ा है, ओह माय गॉड, और ये तो रास्ता ही ब्लॉक है। ये तो है एडवेंचर, ये अच्छी से पिक आएगी, मैं लेती हूँ, अच्छी से एक पिक आएगी इसकी। कितना बड़ा पेड़ गिरा पड़ा है, वो एक नीचे और गिरा है, बाप रे। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know है पसीना पसीना, क्योंकि बहुत तेज धूप भी है। होने को एक सुखद आनंद ये है, मजा ये है कि हम जिस रास्ते से जा रहे हैं वहाँ पूरे चारों तरफ पेड़ हैं, बांझ की ठंडी छांव हमें मिल रही है पेड़ों की, बांझ के पेड़ों की। तो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से हमें यहाँ पे, और मिष्टी की हालत तो अभी से डाउन होने लग गई है। अच्छा, ओके, इसी को भी पानी की बहुत ज़्यादा प्यास लगने लग गई है। मेरे ख्याल से शायद ये इसी का पहला ट्रैक होगा। यस, और यहाँ से देखिए ये सेंट जोसेफ कॉलेज दिख रहा है और पीछे बैकग्राउंड में वहाँ पे एरीज, हमारा आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज है, पहले वेदशाला के नाम से जाना जाता था, वो दिख रहा है बैकग्राउंड में। अभी ऊपर से आपको पूरा व्यू दिखाएंगे, पूरा नैनीताल शहर का व्यू। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless. नहीं, शॉर्टकट नहीं होगा बेटा, हमें पता नहीं है। तो जहाँ का पता नहीं है तो अपने को वही रास्ते को फॉलो करना है। मम्मी जल्दी यहाँ पानी पीना है।
सबका पसीना पसीना निकला हुआ है। अभी और है बॉटल बैग में भी है। और ये मिष्टी की यहाँ पे गैया माँ के दर्शन हो गए। तो आज देखो में आ जाएगी तुम्हारे हर आलू पूरी खा लेगी वो। आओ चलिए दिशा बदल दी उसने। ये हम पहुंच गए यहाँ पे नैनीताल के तालाबों के रिचार्ज पॉइंट्स के रूप में। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे ऐसे रिचार्ज पॉइंट्स होते हैं। ये रिचार्ज पॉइंट्स हैं जो नैनीताल लेक को रिचार्ज करते हैं। तो जाड़ों में यहाँ पे बर्फ जमी रहती थी और वो फिर नीचे नैनी लेक को रिचार्ज करती। अभी भी यहाँ पे को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लेक वाटर को रिचार्ज करने के लिए जो मॉनसून रेन्स के पानी को कंजर्व करते हुए और उसके लेक को रिचार्ज करने के लिए ऐसे छोटे छोटे यहाँ पे गड्ढे बनाए हैं। बहुत प्यारी जगह है ये, आप देखो मज़ा लो इस जगह का। नैनीताल में इतनी प्यारी जगह शायद ही आपने देखी होगी और जहाँ आप नेचर का मज़ा ले सकते हो और ख़ास करके जब आपको एनवायरनमेंट से लगाव होगा तो इस जगह में आना मत भूलिएगा। लेकिन साथ ही आने के साथ यहाँ पे नेचर को कंजर्व और प्रिजर्व करने का भी एक प्रयास ज़रूर करिएगा। और ये हम पहुँचे हैं उस रास्ते पे जहाँ से घोड़े के द्वारा भी आप आ सकते हैं। बारह पत्थर एक एरिया है नैनीताल में, वहाँ से आप घोड़ा को करके इस रास्ते के साथ अब ये मिल जाता है। और यहाँ से आप फिर घोड़े से हॉर्स राइडिंग का आनंद लेते हुए आप ऊपर टिफिन टॉप तक पहुँच सकते हैं। तो नैनीताल में हॉर्स राइडिंग का भी एक अपना अलग ही मज़ा है। ब्रिटिशर्स ने इस खूबसूरत शहर को खोजा था और बहुत प्यार से उन्होंने इसको सहेज के रखा था, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने बहुत जल्दी उस विरासत को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो सबसे बढ़िया नैनीताल को घूमने का, अगर आपको मज़ा लेना है नैनीताल को घूमने का, तो आप नैनीताल को पैदल घूमिए। गाड़ियों के शोर और रोड जैम के सारे झंझटों से आप मुक्ति पा जाएंगे और बहुत प्यारा आपको लगेगा नैनीताल को घूमने का। एक अलग ही मज़ा आएगा क्योंकि नैनीताल को अगर घूमना है तो नैनीताल के चारों ओर इस तरह के जो ये छोटे छोटे टूरिस्ट पॉइंट्स हैं इनको घूमिए और यहाँ से आप नैनीताल को देखिए। चाहे वो स्नो व्यू हो, चाइना पीक हो, लैंड्स एंड हो और टिफिन टॉप हो या नैनीताल ज़ू हो, इनमें कोशिश करके आप पैदल जाने का प्रयास कीजिए। हॉर्स राइडिंग का भी मजा ले सकते। हाय, आप इधर आ जाओ। अभी पहले एक बार ऊपर हो जाए। इसी दीदी चढ़ नहीं पा रही मिष्टी किनारे हो। नहीं,
करना, घोड़े पीछे करना है। आगे हां ये बगा, बॉडी बैक। ओके दादा प्लीज। और मिष्टी और ऋषि ने डिसाइड किया कि हम सीधे रास्ते से नहीं जाएंगे, टेढ़े मेढ़े रास्तों से जाएंगे। तो मैं थोड़ा एडवेंचरस करने की सोची है, तो अब देखते हैं चल पाते हैं। हाँ हाँ करो करो, ट्राई करो। मामा करो, पहले यहाँ चलो इस पे, इस पे पहले इस वाली पूछो। करो करो ट्राई ट्राई योरसेल्फ। नो नो लेटर ट्राई योरसेल्फ। पीछे से दीदी है, मैं नहीं कर पा रही। चलो रुक जाओ दो मिनट ले। एक एक करके लाओ ना, आदमी को भी चलने का रास्ता बने। किनारो किनारो और ये हम पहुंच गए हैं टिफिन टॉप। मुझे वो पहनना है, कैन यू गिव मी द फोन। और मुझे कुछ खाना है बेटा, कुछ मम्मा की याद आई आपको? कैसे लगा हॉर्स राइडिंग में? अच्छा लगा था ना, मजे से चला रहा था ना हॉर्स। फिर रो क्यों रहे थे आप, रो क्यों रहे थे? मजा आया, एंजॉय किया? मिस्टेक कैसे लगा आपको? अच्छा। वही तो स्विमिंग पूल है। हाँ हाँ हाँ। हिल स्टेशंस में एक और अट्रैक्शन का पॉइंट होता है, जब भी आप किसी हिल स्टेशन में जाते हैं तो वहाँ पे एक वहाँ की पहाड़ी अटायर में फ़ोटो खिंचवाने का रहता है। और अब मिष्टी और ऋषि पहाड़ी अटायर पहन करके स्पेशल फ़ोटो अपनी शूट कराने जा रही हैं। दोनों जने रेडी होने की तैयारी में हैं। दोनों ने पहले भी सहस्त्र धारा में इसी तरह से एंजॉय किया था इसी ड्रेस को। कैक्टस में भी लोगों ने अपने नाम छाप रखे हैं, बड़ा मस्त हिसाब है। कैक्टस है, इस कैक्टस में भी लोगों ने, और ये हमारी मिस्ट्री अब रेडी हो गई हैं और अब हम इनका फोटो सेशन करने वाले हैं। और ये अमूलिका दीदी तैयार हो रही हैं, और ये ब्लू ड्रेस में हो रही हैं तैयार।
टिफिन टॉप में आप नैनीताल का आनंद तो ले ही सकते हैं, साथ में आप यहाँ पे रैपलिंग और बाकी एडवेंचर एक्टिविटीज़ का भी आनंद ले सकते हैं। नैनीताल के ट्रैकर हैं हमारे साथ, उन्होंने यहाँ पे को रैपलिंग और उसका वो किया है, आप उनके साथ भी यहाँ पे आकर के रैपलिंग और इस तरह की कई एडवेंचर एक्टिविटीज़ को भी यहाँ पे वो कर सकते हैं। साथ ही उनके साथ आप ट्रैकिंग का भी मज़ा ले सकते हैं, उन्होंने अपने कुछ स्पेशलाइज ट्रैकिंग के यहाँ पे को अपनी एक्टिविटीज़ रन करते हैं नैनीताल में, तो उनके साथ भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग लिंक इसका शेयर करेंगे, तो आप उनके साथ कॉन्टैक्ट करके आप ये एक्टिविटीज़ को भी इंजॉय कर सकते हैं। ऋषभ रैपलिंग और बाकी एक्टिविटीज़ का इंजॉयमेंट करने के लिए तैयारी कर रही है और मामी बिना उसके ही तैयारी में है। ये देहरादून एसेंजर अकेडमी सही है। ये हाउ इज इट? नाइस नाइस ग्रेट गो। तो कहां है दूसरी? चल एग्जैक्ट ये तो यूज करते हैं यहां, इनका पूरा अपना कवि है, पूरा अपना फर्स्ट क्लास है। ये मिस्टी को मजा आएगा कि आज वो कैसे कर रही है, हमें भी बताना कैसा लगा, कैसे ईशी बताएगी। ये तो घर के खिलाड़ी हेलो, आई एम योर होस्ट और यहाँ पे मेरी छोटी बहन मिष्टी जा रही है अब रैपलिंग के लिए और उसने अपना सेफ्टी हेड गेयर और पहन लिया एंड अब वो रोप पे जा रही है। उससे यहाँ से नीचे जाना है। आपको पूरा ध्यान रखें अंकल, और अंकल पीछे हैं आपके। ये
पीछे को मत देखो, पीछे को मत, सामने देखो, वो देखो छोटी बच्ची क्या कर रही है, क्या ले रही है, क्या ले रही हो? अरे नीचे आइए, लग डरने तो है ही नहीं, उसको पकड़ो। वो कह रही है कि उससे डर लग रहा है, देखने वालों को डरना मना है। ये वाला है इधर ही, ये वाला है इधर ही, बस ठीक है। जो पत्रों के खिलाड़ी देखते हैं उनको डरना मना होता है, मतलब भाई उनके देखना बंद हो जाता है। मैं तुझे पकड़ लगा दूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ये बेचारी काम के बोझ की मारी, आते जाओ लेके आती जाओ। ये देखो बेचारी पहाड़ों में, हाँ ये अपने खुद पकड़ पकड़। बच्चों को बहुत ध्यान रखना है। नीचे को शॉर्टकट ले लो हिमानी, हम्म।
संडे हॉर्स राइडिंग भी करेंगे, जिप लाइन भी करेंगे, है ना? नीचे जाने का भेज देना मुझे। अच्छा, मैं वॉइस को म्यूट कर दूंगी और बैक को इसको। पहले अभी नीचे तो पहुंच जाओ सही से। हाँ, बनाना है। आगे को देख के चलते हैं। कुछ मैं आपको दूंगी। आगे देख के चलते हैं। एक मैं आपको दूंगी, बहुत अच्छा। साथ ही कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे रुके हैं, अब हम यहाँ पे अपना लंच करने वाले हैं। आज हम पिकनिक एंजॉय करने आए हैं टिफिन टॉप पे, और मामी और बुआ ने दोनों ने बड़ी मेहनत से यहाँ बनाया, और अब ये मामी से फल नहीं दे रहे थे। हम इस जगह पे बैठे हैं, अब हम खा रहे हैं आलू पूरी। ये इशू टमाटर में इंजॉय कर रही हैं, बेचारी का मैगी मसाला मैगी रह गया है, मिष्टी का भी रह गया है और मामा का भी रह गया है, दोनों जनों को मजा आ रहा है। हम पिकनिक में आए हैं, पिकनिक की तरह खा रहे हैं, और ये आगे हमारे सामने